Realme 8i एंड Redmi 10 Prime दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने वाले हैं, पूरा डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि कहां पर कौन सा स्मार्टफोन स्टैंड करता है और किस स्मार्टफोन के कहां पर ड्रॉबैक्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करी जाए तो Realme 8i में हमें 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं पर Redmi 10 Prime में 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज के अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर दोनों में कंपेयर करा जाए तो Realme 8i का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये एक बड़ा डिस्प्ले है एज़ कम्पेयर टू Redmi 10 Prime, साथ ही ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स 4G को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी 5G का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर Realme 8i में बात करी जाए तो यहाँ पर MediaTek Helio G96 का यूज़ किया गया है जो कि G95 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये भी एक 12nm बेस प्रोसेसर ही है। अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो 350,000 के अप्रॉक्स इसका स्कोर आता है। वहीं पर Redmi 10 Prime में हमें MediaTek Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि 12nm बेस प्रोसेसर है। ये भी एक नया प्रोसेसर है। अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो 190,000 के अप्रॉक्स इसका भी स्कोर आ जाता है। अगर कंपेयर करा जाए तो MediaTek Helio G96 एक ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, यानी कि Realme 8i में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वहीं पर स्टोरेज की बात करी जाए तो 4GB प्लस 64GB का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज का ऑप्शन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी। पर रोम की बात करी जाए यानी स्टोरेज की बात करी जाए तो Realme 8i के अंदर आपको UFS 2.2 बेस स्टोरेज देखने को मिलेगी। वहीं पर Redmi 10 Prime में आपको EMMC स्टोरेज देखने को मिलेगी, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में Realme 8i ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कैमरा पे मूव करें तो Realme 8i में हमें 50MP का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 50MP का एक मेन सेंसर है। वहीं पर 2MP का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है और 2MP का एक पोर्ट्रेट लेंस मिल जाता है। वहीं पर Redmi 10 Prime में 50MP का क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिसमें 50MP का एक प्राइमरी लेंस है, साथ ही 8MP का 120 डिग्री के साथ आने वाला अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, साथ ही 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ लेंस दिया गया है। यानी कि कैमरा को अगर कंपेयर करा जाए तो रेयर में Redmi 10 Prime में आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैमरा भी इंक्रीज हुए हैं, साथ ही 8MP का एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है। अगर क्वालिटी की भी बात करी जाए तो Redmi 10 Prime यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है रेयर कैमरास के अंदर। वहीं पर सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो Redmi 10 Prime के अंदर आपको सेंटर पंच होल के अंदर 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर Realme 8i के अंदर लेफ्ट पंच होल में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी सेल्फी के अंदर Realme 8i आगे निकल जाता है। चलिए दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी को कंपेयर किया जाए तो Realme 8i के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि टाइप सी के साथ आता है। वहीं पर Redmi 10 Prime में 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, इसमें भी हमें 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, पर बॉक्स के साथ आपको 22.5W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको टाइप सी देखने को मिलता है, यानी बैटरी को अगर कंपेयर किया जाए तो Redmi 10 Prime यहाँ पर जीत जाता है। अगर OS की बात करी जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं पर Realme 8i के अंदर Realme UI 2.0 देखने को मिलेगा और Redmi 10 Prime के अंदर MIUI 12.5 देखने को मिलेगा। वेल, ये आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों UI में से कौन सी UI पसंद है। नेक्स्ट, अगर कुछ अदर फीचर्स की बात करी जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। Realme 8i के अंदर आपको मोनो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, वहीं पर Redmi 10 Prime के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये काफ़ी अच्छी बात है। दोनों स्मार्टफोन्स में 3.5mm का हेड जैक देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स ब्लूटूथ 5.1 को सपोर्ट करते हैं। डेडिकेटेड ट्रिपल कार्ड स्लॉट दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलेगा। FM रेडियो आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिलेगा, वहीं पर Realme 8i में आपको FM रेडियो का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अगर एक प्लस पॉइंट की बात करी जाए तो Redmi 10 Prime के अंदर आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वेल, एक ओवरऑल कंपैरिजन की बात करी जाए तो Realme 8i के अंदर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड
स्पीड ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, वहीं पर Redmi 10 Prime के अंदर ज़्यादा अच्छा कैमरा आपको देखने को मिलेगा, बैटरी ज़्यादा अच्छी दी गई है और कुछ अदर फीचर्स भी आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाएंगे। वेल, अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो Realme 8i 13999 का बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर Redmi 10 Prime की प्राइस 12499 है, यानी दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 1500 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के अंदर Realme 8i ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बाकी कुछ चीज़ों में Redmi 10 Prime भी अच्छा है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप Realme 8i के पास देख सकते हैं या फिर आप Redmi 10 Prime भी देख सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। वेल, आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा पिक करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।